हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए असम अरुणोदय स्कीम के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो से आप जान पाओगे असम अरुणोदय स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करने की तरीका क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और कितना रुपया मंथली आपको मिलेगा। इसके बारे में मैं पूरा जानकारी इस वीडियो से दूंगा। इसके लिए मेरा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा एंड इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। आप इस नोटिफिकेशन को आप दोबारा पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है असम अरुणोदय योजना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन इस पेज में दिया हुआ है और कैसे अप्लाई करने का तरीका भी इस पेज में दिया गया है। आप देख लीजिए, नीचे स्क्रॉल करता हूँ, देख लीजिए। देखिए असम अरुणोदय योजना, असम हेल्थ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा हैज अनाउंस द असम अरुणोदय योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एवरी फैमिली ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। दैट मीन्स असम के हेल्थ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने कोरोना पेंडेमिक के दौरान असम की हर फैमिली को आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। अंडर व्हिच देयर इज अ प्रोविजन टू गिव रुपीज 1000 टू फैमिली इन द स्टेट एवरी मंथ, जिसके तहत हर महीने राज्य में परिवारों को 1000 रुपया देने की प्रावधान किया है। इन पैसों से आप अपने जरूरत के सामान जैसे कि मेडिसिन, चीनी, दाल ये सब खरीद सकते हो। और भी बोला है कि देखिए इस योजना सिर्फ अपने परिवार की महिला इस योजना की लाभ उठा सकते हैं, लेकिन परिवार की पुरुष इस योजना की हकदार नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इस योजना की मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस योजना बनाने की। देखिए एन ऑब्जेक्टिव लिखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द असम अरुणोदय योजना इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू मीट द डेली नीड्स ऑफ द बेनिफिशियरी ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। असम अरुणोदय योजना के मुख्य उद्देश्य है कि कोरोना के दौरान राज्य में जितना भी पोर फैमिली है सबको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना। फ्रेंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है देख लेते। आप रेसिडेंट, परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम स्टेट पर होना चाहिए। अगर आप पोर फैमिली में बिलोंग करते हो तो इस योजना की लाभ उठा सकते हो। डाइवोर्स, अनमेरिड, आपका फैमिली में कोई अगर विधवा महिला हो, अगर कोई लिविंग सेपरेट वोमेंस, कोई महिला अलग घर से अलग रह रहे हो, अकेला रह रहे हो, स्पेशल एबल नॉमिनी और स्पेशल एबल हाउस होल्ड, परिवार के सबसे बुजुर्ग लोग इस योजना की लाभ उठा सकता है। एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली शुड बी लेस देन रुपीज 2 लाख, आपकी वार्षिक आय 2 लाख से कम होना चाहिए। इन सब लोग इस योजना के लाभ उठा सकता है। फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए देख लेते। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, परमानेंट एड्रेसशिप डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, लेकिन बैंक अकाउंट किसी महिला की होना चाहिए एंड एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिए इस योजना में अप्लाई करने के लिए। इस योजना के बेनिफिट क्या क्या है, असम अरुणोदय योजना बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू विडोज, डाइवोर्स, अनमैरिड, सेपरेट वोमेन, स्पेशल एंड ओमिन नॉमिनी और स्पेशल एबल ओमेन ऑफ द स्टेट। मैंने पहले भी बोल दिया इन सब लोग इस योजना की लाभ उठा सकते हैं। ओनली ओमेन सेक्शन ऑफ पोर फैमिली विल एबल दिस स्कीम, ओनली फॉर महिला इस स्कीम की लाभ उठा सकते हैं। अंडर दिस स्कीम द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ रुपीज 1000 टू द बेनिफिशियरी एवरी मंथ, हर महीना आपको 1000 रुपये दिया जाएगा। स्क्रॉल कर लेते हैं और भी फीचर्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए हाउ टू अप्लाई फॉर असम अरुणोदय योजना, अप्लाई करने की तरीका और कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इस योजना के लिए। टू अप्लाई फॉर असम अरुणोदय योजना द बेनिफिशियरी विल हैव टू वेट अ बिट, इट हैज बीन अनाउंस्ड टू स्टार्ट द स्कीम, व्हेन द ऑनलाइन प्रोसेस विल बी स्टार्टेड द बेनिफिशियरी कैन अप्लाई फॉर द हाउस सिटिंग स्कीम। व्यूअर्स, असम अरुणोदय योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। योजना जल्दी ही शुरू करने की घोषणा किया जाएगा और आप मेरा इस चैनल से जुड़े रहेगा ताकि जब भी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाएगा तभी आपको पहले इन्फॉर्मेट कर दूंगा। और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आपको ये अनाउंसमेंट का वीडियो मिल जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।